हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग मौसम्बी का जूस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो जूस बनाने के लिए मैंने 3 मौसम्बी ली है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है, 4-5 आइस क्यूब लिए है, 2 चम्मच शुगर ली है और 1/2 कप वाटर लिया है। तो अभी हम लोग जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मौसम्बी के छिलके निकाल के इसको छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मौसम्बी के छिलके निकाल के उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अभी हम लोग जूस बना लेते हैं। सभी कट किए हुए मौसम्बी अभी मिक्सर के जार में ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच शुगर ऐड कर देते हैं और 1/2 कप वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से हम लोगों को मौसम्बी को पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने मौसम्बी को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। अभी इसको हम लोग छन्नी से छान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पीसे हुए मौसम्बी थे उसको अच्छे से छान लिया है। अभी हम लोग इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मौसम्बी का जूस बनके रेडी है। अभी हम लोग इसको ग्लास में सर्व करते हैं। तो जूस को ग्लास में सर्व करने से पहले ग्लास में 3 से 4 आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। अभी जूस सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मौसम्बी जूस ग्लास में सर्व कर लिया है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगे हैं उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको और भी समर जूसेस की रेसिपी देखनी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।